साहब सरकार गिर रही थी, भारतीय जनता पार्टी 50-50 करोड़ रुपए में विधायक खरीद रही थी, तब एक परीक्षा थी एक विधायक के सामने। 50 करोड़ रुपए में 10,000 5-500 की गड्डियां होती है, और वो 10,000 गड्डियां अगर एक साथ कहीं रख दो तो एक कमरे में इतनी ज्यादा गड्डियां कभी आ नहीं सकती, 3-4 टोपले बाहर रखने पड़ते, इतना पैसा होता है ये। मुरली मोरवाल ने, दिलीप गुजर जी ने और मालवी जी ने यह साबित किया कि हम बिकाऊ माल नहीं है, हम खरे सोने सिक्के हैं। मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है। साथियों, शिवराज जी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि हमारे प्रदेश में 1 करोड़ नए बच्चे बेरोजगार है। किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि आपने विधायकों की मंडी लगाई, 50-50 करोड़ में विधायक बेचे और खरीदे गए। पहले के जमाने में इंसान को गुलाम बनाया जाता था और गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। हमने देखा और सुना कि आज के दौर में विधायकों की मंडी लगाने वाली कोई अगर पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, मैं मानता हूं आज रोजगार की स्थिति क्या है, आज व्यापार की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, आज खेती और किसानी की स्थिति क्या है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार है वो सर्वविदित है। मैं मानता हूं आम जनता इसको भुगत रही है। लाडली बहना योजना लानी है, सारी योजनाओं को पेंडिंग करना है, एक योजना किसी का भी फंड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज खजाना खाली है, आज एक पैसा भी ऐसा नहीं है जो अन्य खर्च के लिए भारतीय जनता पार्टी खर्च कर सकती है। 3,000 करोड़ रुपया हर महीने लोन लेते हैं और 3,000 करोड़ रुपया का बड़ा बड़ा पंडाल सजाते हैं। लाडली बहना की लंबी आयोजन करने के लिए मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। हालात गंभीर है साथियों, मैं आपसे इतना अनुरोध करता हूँ कि देश प्रदेश में भारी बदलाव है, लहर है कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता से पूरा प्रदेश हो रहा है। मालवा में पिछले 5 दिन से हजारों लोग सड़कों पे हैं और जन आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैं चुनाव में आऊंगा फिर बात करूंगा। आपसे इतना ही निवेदन है कि कांग्रेस की सरकार फिर बनाओगे कि नहीं, हाथ ऊंचे करके समर्थन करो इस बात का कि वो परिवार के लोग जो लोकतंत्र को जिंदा करना चाहते हैं। कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति है जो विजनरी व्यक्ति है, जो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप सब मिलकर इस बार पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, साधुवाद। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और विधायक जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में चल रही जन आक्रोश यात्रा के दौरान एक और भाषण में शिवराज सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। जनसभा में उपस्थित थे बड़नगर के विधायक मुरली मोरवाल और कुलदीप इंदौरा। पटवारी ने सभी साथी कांग्रेसी उम्मीदवारों के साथ एकजुट होकर जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने शिवराज सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना कार्यक्रमों के रैंप बनाने में 40 करोड़ रुपए फूंक डाले हैं और उन्होंने इसकी जानकारी भी दी जनसभा को। पटवारी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हाथ में माइक लेकर रैंप पर चलकर भाषण देते हैं, जैसे कि फैशन शो की तरह। विधानसभा में उनके पूछे गए प्रश्न के जवाब में लाडली बहन के 13 कार्यक्रमों में 40 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी दी गई है। पटवारी ने इसे फिजूल खर्ची का सबूत माना और शिवराज सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। जनसभा में जनप्रेम और समर्थन की भरमार देखकर पटवारी ने कहा कि यह यात्रा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन का सबूत है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की विदाई का भी संकेत है। उन्होंने कहा, प्रदेश परिवर्तनमय है, अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य साफ है, नजरों में मंजिल का एहसास है, इस बार तीर निशाने पर ही जाएगा, मध्य प्रदेश को कांग्रेस पर विश्वास है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया और अपने समर्थनियों का आभार व्यक्त किया। वह शिवराज सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश को संजीवनी बूंद के तरह मानते हैं और कांग्रेस के समर्थन की मजबूती से इसकी ओर बढ़ रहे हैं।